तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब। बिना शादी के स्वागत मनवाना चाहते हैं। 100 रुपये कमाइएगा अंकिता को मरवाने के। हाँ, मार दे उसको। दोस्तों, आज बहुत सारे बातों पर यानी कि टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैनल पे जो भी टॉपिक आता है, अंकिता, सुजीत पांडे, इस सबसे रिलेटेड टॉपिक रहता है, जिसमें हम आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल क्या है और जो ये लोग एक्टिंग करते हैं वो क्या है। हम कुछ टाइम पहले जो है लगभग इस चैनल पे 3-4-5 रोज से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो उस बीच में क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा पहले बात करते हैं। पहला चीज कि कोई लड़का है, चलिए हम किसी का इस वीडियो में नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। कोई लड़का है, वो कॉल करके एक टीम के मेंबर को बुलाता है और वहाँ पर किसी लड़के को मारने की बात करता है। ये उसके बाद उस लड़के को हेल्प करने के लिए एक और लड़की रहती है जो अपने आप को गैंगस्टर बताती है और वो इस लड़के को, उस लड़की को मारने के लिए सुपारी देती है। लेकिन एट द एंड क्या होता है, एट द एंड इस वीडियो का यही होता है कि बाद में जब ये लड़की आती है, तब जाके ये लड़का, जो गैंगस्टर लड़की है, उसको थप्पड़ मारता है और जब बोलता है कि तुम हमको थप्पड़ क्यों मारे, तुम तो मेरे साथ मिले हुए हो, तब जाके वहाँ पर एक छोटा सा सॉन्ग प्ले होता है, अपने तो अपने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लड़का जिस लड़की को मारने के लिए सुपारी लिया रहता है, उस लड़की को प्रणाम करते हैं और उसके बाद ये वीडियो अब ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये चीज़ यहीं पर सीमित नहीं रहता है, आगे जाने के बाद जब लड़की मार्केट जाती है घूमने के लिए, किसी भी मार्केट जाती है घूमने के लिए, तो वहाँ पर ये लड़का फिर किसी दूसरी लड़की से मिल के ये प्रोग्राम बनाता है कि वहाँ से उसको किडनैप करेंगे और उसके साथ जो करना होगा वो करेंगे। ये चीज़ होता है। लेकिन बाद में फिर पता चलता है, जब दूसरा लड़का उसको फ़ोन करता है, तब जाके पता चलता है कि वो बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सेफ है। तब जाके ये तीसरा यानी कि दूसरा लड़का, ये जो तीसरी लड़की है, उसको थप्पड़ मारती है। और उसके बाद बात ये चीज़ होता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं और आम पब्लिक को ये बताना चाहता है सब कि इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये लड़की पता नहीं इसके साथ क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हाल फिलहाल का केस है, हाल फिलहाल का नहीं, काफ़ी टाइम पहले से चल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में ये घटना हुआ। आतिक अहमद, उसके भाई, उसके बेटे, सबको मार दिया गया। कोई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, यानी कि पुलिस से भागने के चक्कर में मारा गया, तो किसी को कोई दूसरा गैंग आकर के उसको मार दिया। अगर इंडिया का कानून व्यवस्था इतना ही यानी कि मजबूर रहता, तो अभी इतना फास्ट में जो भी फैसला हो रहा है, ये चीज़ नहीं हुआ करता। और इन लोगों के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इन लोगों का तो कहने का मतलब फास्ट ट्रैक पे केस चलेगा, लेकिन मेन चीज़ रहता है कि रियल रहे तब ना। मान लीजिए कि इन लोगों के साथ अगर बाय चांस भविष्य में कभी ऐसा हो भी कि सच में इन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, तब भी आदमी अगर कंप्लेन करने के लिए जाएगा, पुलिस कंप्लेन करने के लिए जाएगा, तो पुलिस के पास इन लोगों का जो नाटक का बहुत सारा फुटेज अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, जिसमें ये लोग नाटक करते हैं। ये सब अगर मर भी जाएंगे तो हमको नहीं लगता कि कोई इस पर कोई एक्शन भी लेगा, क्योंकि काम ही ऐसा है। और आप लोग एक चीज़ बताइए, किसी लड़की के साथ अगर कुछ गलत काम होता है, कोई रेप करता है या कुछ भी करता है, तो उसके बाद जो कानून व्यवस्था है, कितना फास्ट ट्रैक पे उसके यानी कि जो घटना हुआ रहता है उस पे कार्रवाई होता है। लेकिन यहाँ पर खुलेआम कैमरा के सामने लड़की को कार में धकेल के उसके बॉडी को टच किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, यानी कि फिर भी ये लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये लोगों का ये पेशा हो चुका है। आम यानी कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के अलावा ये लोग और कुछ नहीं करते हैं, पब्लिक को बस बेवकूफ़ बनाते हैं कि देखो मेरे साथ कैसा हो रहा है,
ये चीज पब्लिक को कभी नहीं बताता कि ये चीज ऑलरेडी हम खुद कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि इसको ऐसा करो मेरे साथ। नहीं तो आप लोग बताइए, पब्लिक प्लेस में किसी भी लड़की को सबसे पहले अगर शरीर में टच भी हो जाता है ना, तो आदमी सॉरी बोलता है कि सॉरी दीदी गलती हो गई, लेकिन ये लोग को सॉरी कोई नहीं बोलता है, क्योंकि ये लोग खुद इतने गिर चुके हैं कि कार में जा करके इसके साथ अगर गलत भी कर देगा ना, तो हमको नहीं लगता कि कोई कुछ कहेगा, क्योंकि सारा कुछ तो कैमरा के सामने होता है और इन लोगों का पहले से प्रोग्राम रहता है कि ऐसे ऐसे करना है। अच्छा क्या है कि यूट्यूब जो है ना एडल्ट वीडियोज को बैन कर दिया है, यूट्यूब पे उसको करने का मतलब आगे ही नहीं बढ़ने देता है, ब्लॉक कर देता है। नहीं तो अगर ये चीज़ अगर यूट्यूब पे ओपन रहता तो ये लोग इस हद तक भी गिर सकते थे और कर सकते थे। क्या कहें दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं तो मेरे दिमाग में बहुत सारा बात आता है, हम चाहते हैं कि कुछ बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। आज से फिर से काम स्टार्ट हो गया है और अब आप लोगों को मेरे सारे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा और रिएक्शन वीडियो हुआ, बहुत सारा वीडियो है इस टाइप का, हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।